आप सभी ने लास्ट ऑफ अस गेम सीरीज़ ज़रूर खेली होगी, और जिन्होंने ये गेम सीरीज़ नहीं भी खेली होगी, अभी रिसेंटली HBO की आई नई सीरीज़ लास्ट ऑफ अस ज़रूर देखी होगी। सिंपली बोलूँ तो ये एक जॉम्बी पे बनाया गया वीडियो गेम और उसी वीडियो गेम पे बनाई गई सीरीज़ है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक नेचुरल फंगस इंसानों को जॉम्बी में कन्वर्ट कर देती है। ट्विस्ट ये है, और रियलिटी भी कह सकते हैं ये है, कि वो जो नेचुरल फंगस है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और इस जॉम्बी फंगस का नाम है कॉर्डिसेप्स। आप सबने कॉर्डिसेप्स का नाम ज़रूर सुना होगा। नेचुरली ये फंगस एग्जिस्ट करता है, और ये फंगस आंट्स को, कैटरपिलर्स को और बीटल्स जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपना होस्ट बना के उनको जॉम्बी बना लेता है। ये फंगस ऐसे काम करता है कि ये अपने जो भी जिसको भी होस्ट बनाता है उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है, और धीरे धीरे उसके ऑर्गेनिक सेल्स को अपने फंगस सेल्स से रिप्लेस करता है, और ऑर्गन्स को हटा कर वहाँ पे पूरा अपना इम्यून सिस्टम उस फंगस का क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से वो किसी भी कीड़े मकोड़े को अपना होस्ट बना सकता है। पर ये कॉर्डिसेप्स इतने होशियार या इतने चालाक नहीं होते हैं कि किसी भी इंसान को ये होस्ट बना सकें, यानी कि किसी भी इंसान पर ये काबू पाके उनको ज़ॉम्बी बना सकें। ये इतने समझदार या इतने होशियार नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य अल्फाज, और स्वागत है आपका कुछ बातें विद आदित्य अल्फाज के नए एपिसोड में। आज की स्टोरी बहुत खास होने वाली है। स्टोरी इसलिए खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे इस रेडिट यूज़र ने ये बताया कि अगर एक जॉम्बी फंगस इंसानों पर अटैक करते, जॉम्बी फंगस यानी कि कॉर्डिसेप्स इंसानों पर अटैक करके अगर इंसानों को जॉम्बी बना दे, तो किस तरह से उन पे जॉम्बी बनने के बाद इंसान रिएक्ट करेगा। उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है। इस स्टोरी का सच या झूठ होने का कोई दावा नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसी रेडिट की स्टोरीज होती है जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तो आप इसको सच मानकर भी एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना सकते हैं, और साथ ही साथ एज अ फैंटेसी स्टोरी लेकर भी एंटरटेन हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट की बताई गई लैब में कॉर्डिसेप्स पर रिसर्च चल रही थी, और ये देखा जा रहा था कि कैसे ये कॉर्डिसेप फंगस बीटल्स को, आंट्स को और कैटरपिलर्स को अपना होस्ट बनाता है। साथ ही साथ इस पर ये रिसर्च करी जा रही थी कि क्या हम इसको म्यूटेट करके इंसानों पे रिएक्ट करा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि भले ही इंसानों पे ये रिएक्ट अभी नहीं कर पाता, पर कोई फंगस, कोई वायरस धीरे धीरे जैसे इवॉल्व होता जाता है, इवॉल्व होते होते वो खुद को इतना सक्षम बना लेता है कि इंसानों पर भी काबू पा सकता है। अभी ये कॉर्डिसेप वायरस सिर्फ इंसानों पे काबू इसलिए नहीं पा पा रहा क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी में ये जैसे ही ये कॉर्डिसेप वायरस एंटर भी होता है तो तुरंत ये डेड हो जाता है। पर अगर ये वायरस कल को म्यूटेट हो जाए जिससे कि ये इंसानों पे काबू पाने की क्षमता रखने लगे, तो इंसानों को भी ये जॉम्बी में कन्वर्ट कर सकता है। इस लेबोरेटरी में जहाँ पे कॉर्डिसेप्स पे रिसर्च चल रही थी, ये एक गवर्नमेंट की ऑथराइज लैब थी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो इस तरह के वेपन्स को बनाए ताकि कल को अगर मान लीजिए कोई वर्ल्ड वॉर होती है, तो न्यूक्लियर के बजाय हम पूरे पूरे देश को अगर मान लीजिए जॉम्बी बना दें, पूरे पूरे देश में मान लीजिए कोई एक वैसा वायरस फैला दें जिससे कि वहाँ की जनता बेहाल हो जाए, परेशान हो जाए, पूरी जनता सिर्फ उस वायरस से ख़त्म हो जाए, तो हमें तबाही के बजाय तो ये आसान ज़रिया लगेगा। कुछ ऐसे ही रीजंस के पीछे कॉर्डिसेप्स पर इस गवर्नमेंट की लैब पे भी रिसर्च चल रही थी। इस लेबोरेटरी में 8 पेशेंट्स थे। साथ ही साथ इस लेबोरेटरी में एंटी एजिंग मेडिसिन, कोई एक ऐसी दवा जिससे इंसान की उम्र बढ़नी रुक जाए, कोई एक ऐसी दवा जिससे इंसानों को कभी कोई बीमारी ना हो, इस तरह की रिसर्च चल रही थी। बेसिकली ये एक हाई लेवल लेबोरेटरी थी जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग आती थी, और उस फंडिंग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकेशंस पर रिसर्च होती थी। फिर वो चाहे आपका DNA हो या कोई एक ऐसी मेडिसिन हो जो इंसानों के क्षेत्र में या इंसानों के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हो सकती है। और जिसने ये स्टोरी पोस्ट करी है उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, पर वो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक करते थे। इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोल रूम में बैठकर CCTV पे हर एक पेशेंट पे नज़र रखते थे और हर पेशेंट के वाइटल्स पे नज़र रखते थे, क्योंकि वो खुद साइंटिस्ट के साथ साथ एक वहाँ सिक्योरिटी कह लीजिए या एक ऑब्जर्वर का काम करते थे, कि वो उनकी ड्यूटी ये थी कि उनको वहाँ बैठ के 24 घंटे ये चेक करना है कि कब कब किस पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस कॉर्डिसेप वायरस के एंटर होने के बाद। यहाँ पे कॉर्डिसेप्स को म्यूटेट करने के बाद इंसानों के अंदर इजेक्ट कर दिया गया, और इजेक्ट होने के बाद उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था
कि क्या ये इंसान जॉम्बी में कन्वर्ट होंगे कि नहीं। स्टीफन जो इस लैब के सुपरवाइज़र होते हैं वो आते हैं और वो हर पेशेंट का एक एक करके मुआयना करते हैं, और मुआयना करने के बाद कहते हैं रेडिट यूज़र से कि तुम अब आगे का मुआयना करो और इन पे नज़र रखना, मुझे ये देखना है कि इनके अंदर अब ये वायरस इजेक्ट तो हो चुका है पर अब ये इनका क्या हाल करता है। रेडिट यूज़र ने बताया कि इस लेबोरेटरी के अंदर टोटल 8 कमरे थे और 8 कमरों में से 4 आदमी, 3 औरतें और 1 रूम खाली था। वो 1 रूम खाली इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक बंदर भी रखा गया था जिस पे ये रिसर्च करी गई, यानी कि चिंपैंजी रखा गया था जिस पे ये रिसर्च करी जाए कि इंसानों के साथ साथ किसी बंदर पे ये वायरस कैसे अटैक करेगा। उन सभी के कमरे 8x8 के होते हैं। शुरू में तो सारे पेशेंट्स नॉर्मल लग रहे होते हैं पर धीरे धीरे पेशेंट्स में परिवर्तन आना शुरू होता है। वो चेंजेस ऑब्जर्व कर ही रहे होते हैं पर अब ट्विस्ट यहाँ से आता है कि अब जब इन्होंने कॉर्डिसेप्स को म्यूटेट कर दिया है तो अब इंसानों के अंदर जाने के बाद कॉर्डिसेप्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो पेशेंट नंबर 3, 4 और 7 होता है, अचानक से उनके हार्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं और हार्ट रेट्स नॉर्मल हार्ट रेट से 50% प्लस हो जाते हैं। वो देख के थोड़ा पैनिक होते हैं रेडिट यूज़र और कहते हैं, अपने सुपरवाइज़र को कॉल करते हैं और उनको बुला लेते हैं। उनका सुपरवाइज़र आता है और सुपरवाइज़र हार्ट बीट वगैरह देख के ये डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं एक पेशेंट से जाके उससे मिलूं। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, वो अपना हैजर्ड सूट पहनते हैं और हैजर्ड सूट पहनने के बाद वो उस लैब में एंटर करते हैं। और लैब में एंटर करने के पहले जो इनके केज होते हैं जिस पे हर पेशेंट को बांधा गया होता है, उस केज का फीचर ये होता है कि आप उस केज को दबा सकते हो, मतलब उसमें आप पेशेंट को बांधने के बजाय दबा भी सकते हो। तो लैब सुपरवाइज़र फिर जाते हैं पेशेंट्स के पास और उनका ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेते ही जैसे ही वो घूम रहे होते हैं तभी क्या होता है कि जो पेशेंट नंबर 7 होता है जिसका उन्होंने जस्ट ब्लड लिया होता है, उस पेशेंट के अंदर से ये कॉर्डिसेप वायरस का एक स्पोर निकलता है एक और उन पे अटैक कर देता है। और स्टीफन ने भले ही हैजर्ड सूट पहना था पर वो वायरस अब इतना म्यूटेट हो चुका होता है जिस वजह से वो उनके हैजर्ड सूट को भी काटता हुआ अंदर जाता है और उनकी बॉडी पर अटैक कर देता है। ये देखते ही ये रेडिट यूज़र खूब पैनिक हो जाता है और अपने लैब पार्टनर को बुला लेता है। इनके लैब पार्टनर का नाम होता है माइक। ये माइक को बुला लेता है और माइक देख के भी ये बहुत चीज़ घबरा जाते हैं। वो कोशिश तो करते हैं, वो सोचते हैं कि क्या मेरा वहाँ जाके स्टीफन को बचाना ठीक रहेगा कि नहीं। जैसे तैसे वो भी अपना हैजर्ड सूट पहनते हैं और स्टीफन को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं पर तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि वो कॉर्डिसेप वायरस स्टीफन की बॉडी के अंदर इजेक्ट हो चुका होता है और वो अपना असर दिखाना भी शुरू करने लग चुका होता है। और यहाँ पे ये ऐसी चीज़ हो जाती है कि अगर ये वायरस कायदे से फैल जाए तो ये मिनटों में मेजर पॉपुलेशन को जॉम्बी में कन्वर्ट कर सकता है। ये सारा नज़ारा कंट्रोल रूम से रेडिट यूज़र भी देख रहे थे। उन्होंने तुरंत ये नोटिस कर लिया कि ये कॉर्डिसेप वायरस अब इतना म्यूटेट ज़रूर हो चुका है कि ये इंसानों को जॉम्बी तो बना सकता है पर साथ ही साथ ये वायरस खुद को मल्टीप्लाई करके मल्टीपल होस्ट पे अटैक कर सकता है। यानी कि ये इतना समझदार हो गया है कि ये डिफरेंट टेम्परेचर्स में, डिफरेंट कंडीशंस में इंसान के ऊपर अटैक करके उनकी बॉडी पर काबू पा सकता है। ये वायरस उनके इम्यून सिस्टम को ख़त्म करके उनको पूरी तरह से एक चलती फिरती लाश बना सकता है। माइक जैसे ही पहुंचते हैं स्टीवन के पास, वो उनको बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं पर ये वायरस उन पर अटैक कर चुका होता है और तुरंत स्टीफन माइक के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देख के रेडिट यूज़र बहुत पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने के बाद तुरंत वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देते हैं। पूरे लैब में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और जितने गार्ड्स आ रहे होते हैं वो सब पर बाकी के बचे पेशेंट्स जो बंधे होते हैं वो भी अटैक करने के लिए पागल हो रहे होते हैं पर यहाँ पे स्टीफन जो खुले हुए हैं वो बाकी गार्ड्स पर भी अटैक करते हैं। किसी तरह जैसे तैसे गार्ड्स उसको गोली मार के स्टीफन को वहीं ख़त्म कर देते हैं पर स्टीफन ने मरने से पहले माइक पर अटैक किया था और माइक के बॉडी से सेम वैसे ही स्पोर्ट्स निकलते हैं जो पेशेंट नंबर 7 की बॉडी से निकले होते हैं और वो गार्ड्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। वो सारे गार्ड्स, माइक, स्टीफन और उस रूम के अंदर जो बाकी के 7 पेशेंट थे, सारे के सारे जॉम्बी बन जाते हैं। और जॉम्बी बनते ही रेडिट यूज़र इतना ये घबरा जाता है, वो खुद को उसी कंट्रोल रूम में लॉक कर लेता है।
और कई हफ्तों तक वहाँ पे इंतज़ार करता है कि जब ये सब शांत हो। लगभग एक हफ्ते बाद वो हिम्मत करके अपना हैजर्ड सूट पहनता है और उस कमरे से बाहर निकलता है। वो सोचता है कि किसी ना किसी तरह मुझे तो इस लैब से निकलना पड़ेगा, नहीं तो भूख और प्यास के चलते मेरी ही मौत हो जाएगी। वो देखता है, जब निकलता है अपना हैजर्ड सूट पहन के रेडिट यूज़र निकलते हैं कमरे से, तो वो देखते हैं कि उस लैब में वहाँ पर माइक की लाश पड़ी होती है। और वो लाश अब इतनी सड़ गल चुकी होती है कि उसके ऊपर पूरी तरह से फंगस चढ़ चुका होता है और पूरी तरह से वो एक जॉम्बी कह लीजिए या एक ऐसी चीज़ कह लीजिए कि फंगस ने उनकी बॉडी को अपना घर बना लिया होता है। उनका बॉडी फंगस से सड़ रहा होता है। वो धीरे से अपने मन में माइक से सॉरी बोलते हैं कि वो अपने दोस्त को और अपने लैब पार्टनर को नहीं बचा पाए, और वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही लेकिन वो पूरा लैब लॉकडाउन हो चुका होता है, वो लैब पूरा क्वारंटाइन हो चुका होता है और कोई नहीं होता है। वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई ज़रूर उनकी मदद पे आएगा, क्योंकि उनके पास फ़ोन था और उन्होंने रेस्क्यू सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया था, जो लैब की रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, और उन्होंने कहा था हम जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेंगे। इस रेडिट यूज़र ने यहीं तक की स्टोरी अपडेट करी और स्टोरी अपडेशन के बाद बहुत से लोग उनको कमेंट कर रहे हैं कि आगे क्या हुआ, ये स्टोरी के पीछे कितना सच और कितना झूठ है। इवन उन्होंने थोड़ा बहुत दावा भी किया कि ये स्टोरी सच है। इस स्टोरी का जैसी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द इन्फॉर्म करूँगा। अगर आप ऐसे ही रेडिट की मिस्टीरियस स्टोरीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, डार्क वेब से जुड़ी स्टोरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जो ये सब जॉम्बी वगैरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।